वेलकम बैक मिर्जा साहब, बताइए कि ये हमारा जो जाली सिस्टम एक किस्म का चल रहा है कि कोई बैलेंस शीट आप पकड़ते हैं वो सही नहीं होती, इनकम स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही नहीं होती, तो ये SECP की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक श्योर कि दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मेरी नज़रों में अगर SECP उनको रेगुलेट करे अकाउंटिंग प्रोफेशन को तो बहुत हद तक ठीक हो सकता है। कैसे? मैं अर्ज करूँ, हमने कुछ रेगुलेशन लॉ है आपके पास? हाँ बिल्कुल है, हमने किए थे, हमने जब मैं था SECP में तो बहुत सारी चीज़ें हम बीच में लाए थे। एक ये कि अकाउंटेंट्स को 5 साल से ज़्यादा ये कंपनी को ऑडिट नहीं करना चाहिए ताकि वो आपस में बड़ी कोजीनेस हो जाती है। ठीक। दूसरा ये, और हमने कहा था फर्म ना करे, अकाउंटेंट नहीं, फर्म ना करे। फिर हमने कहा था कि आप ये जो है अगर कोई QCR पे नहीं आता अकाउंटेंट तो उसको फिर नहीं करना चाहिए अकाउंट। QCR है क्वालिटी रिव्यू उनकी, उसको नहीं करना चाहिए ऑडिट। फिर हमने ये कहा और ये स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया था, अगर कोई मिसकंडक्ट या किसी किस्म की प्रोफेशनल चीज पे कोई अकाउंटेंट पकड़ा जाता है या उसको SECP पकड़ती है, कोर्ट नहीं SECP, तो 3 साल के लिए किसी लिस्टेड कंपनी को ऑडिट नहीं करेगा। अच्छा, you can send them to jail also? No, not in jail. ऑडिट नहीं करेगा 3 साल, ऑडिट नहीं, इकोनॉमिक उसको पनिशमेंट है। दूसरी चीज, अच्छा फिर इस किस्म की और भी बड़ी चीजें थी, कभी किसी को आपने ब्लैकलिस्ट किया? सारे बोर्ड्स अकाउंटेंट्स के किए थे उस वक्त, और उस वक्त आप जाके खोल के देख लें बैलेंस शीट्स उस वक्त के, तो बैलेंस शीट्स बहुत बेहतर हो गई थी, बहुत, ताकि हम द फेयर ऑफ गॉड वॉज देयर। बिकॉज एक तो मॉरल अथॉरिटी के साथ ये मैं तो हमने इसको बात ये है हमारे पास, जैसे शर्मी ने कहा रेगुलेशंस हैं, लॉज भी हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं हो रही है और वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो, ताकि हमने अपनी सर्कमस्टेंसेस देखनी है। मैं अर्ज करूँ ना, हमारे अपनी सर्कमस्टेंसेस देखी, हमारी अदालती सिस्टम काम नहीं करता, डिसफंक्शनल है, तो हमने ऐसे रेगुलेटर ने एक्ट करना है इसको नजर रख रख के कि यहां काम नहीं हो रहा, अब मैं अपने पर डिपेंडेंट हूं और मेरा जो ऑर्डर है कोर्ट की इन्फोर्समेंट नहीं होगी मगर मैंने इन्फोर्स उसको कराना है। अब इसके अंदर रेगुलेटर ने इमेजिनेटिवली काम करना है और रेगुलेटर ने कॉम्पिटेंस के साथ और इंटेग्रिटी के साथ काम करना है। मैं अर्ज करूं जैसे ही मैं गया हूं वहां से SECP से, मेरे फौरी बाद जितने ये चार्टर अकाउंटेंट्स की हमने किए थे ज्यादातर इनको रद्द कर दिया। क्यों? ताकि वो जो दूसरे आए थे वो पहुंच गए कि साहब ये नहीं ठीक और वो नहीं ठीक और फलाना नहीं और ये और वो, मान गए बात। रेगुलेशन इंपॉर्टेंट इज गुड इंफॉर्मेशन फॉर द इकोनॉमी। नो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स दुनिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है। आपका फरमाना, जैसे मेरा ख्याल कहा था कि भाई ये डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट है, हम कोई अनोखे मुल्क नहीं है। बहुत जगह ये एक मेरे लिए बनता है, एक बीवी के लिए बनता है अकाउंट, किसी और के लिए बनते हैं, वहां तो पकड़े जाते हैं ना? पकड़े भी जाते हैं, पकड़े नहीं भी पकड़े जाते हैं। हमारा पकड़ने का तरीकेकार है, अगर जैसे आप कहा ना कि ये बैंकर्स को पता होता है फोरेंसिकली कि सामने आया, ऐसी ऑडिटर्स को भी मालूम होता है कहां गड़बड़ है कहां नहीं है। अगर कोई ऑडिटर ब्लोअर्स क्यों नहीं होते, जो अकाउंटेंट एक कंपनी में काम कर रहा है उसकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मुझे नहीं मालूम कि इसमें है कि नहीं है, होना चाहिए मेरे ख्याल में, मगर और लॉज में है विसल ब्लोअर्स का, हमारे फॉर एग्जांपल CCP में है। हाँ, मगर मैं जो अर्ज कर रहा हूं ये है कि जो रेगुलेटर्स हैं पाकिस्तान में दे फेल्ड। ओके, आई नीड टू रिस्पॉन्ड टू दैट पॉइंट, आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज बात हो रही है QCR प्रोसेस की। आई सर्वड ऑन द QCR प्रोसेस। व्हाट इज अ QCR? क्वालिटी कंट्रोल वाला। यू सी, वेयर डज SECP पिक अप? सिर्फ एक चीज है जी, वो सिर्फ एक बात है, मैं बता रहा हूं। आई सर्वड अ होल स्लू ऑफ मेजर्स, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू अबाउट दिस, बट देयर इज अ स्लू ऑफ क्वेश्चन। नो, द क्वेश्चन इज ऑफ एनफोर्समेंट। ठीक है, द क्वेश्चन इज नॉट ऑफ द लॉज। सलमी, आपका क्विक पॉइंट ये है, हो रहा है तो ठीक है, एट नो पीरियड इन द लास्ट 20 इयर्स एज अ बैंकर नाउ आई एम सेइंग did balance sheets ever exceed a certain level of quality and they're still there. That is my point. I mean, ye nahi koi sahi ke koi balance sheet so Naveed ye batao yaar ke banks ne agar information bhi nahi thi itni achhi and as Salman Sheikh says ke bankers have to be almost forensic accountants, so why did they lend so much? अब हम जाके कंपनीज को देखते हैं, किसी की 70% लेवरेज है, किसी की 80% एंड दे आर इन टू डिफॉल्ट। तो ये नंबर वन, was this a weakness of the banks themselves?
एंड नंबर टू, नाउ दैट दे आर इन डिफॉल्ट, कैन यू रिकवर एनीथिंग? देखिए, पहली बात, यू नो, आई थिंक बैंकर्स हैव बिकम फोरेंसिक अकाउंटेंट्स टू लार्जर एक्सटेंट, एंड जिस तरह मिर्जा साहब भी कह रहे हैं, सारी दुनिया में होता है. बट एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट थिंक के, यू नो, आई थिंक क्वालिटी बिटवीन द टाइम जब सलमी यू नो रिलेशनशिप मैनेजर होंगे और मैं जब था, जो हमने उस वक्त का हाल देखा है और आज, जमीन और आसमान का फर्क है. आज देयर इज अ लॉट मोर ट्रांसपेरेंसी, देयर इज अ लॉट मोर स्टफ व्हिच इज डिफरेंट देन व्हाट इट वाज. तो पहले तो लेट्स बी क्लियर ऑन रिकॉर्ड के बहुत इंप्रूवमेंट आई है, ठीक है ना? डेफिनेटली. बैंकिंग सेक्टर की जो बैलेंस शीट्स हैं, आई थिंक दे हैव द मोस्ट स्ट्रिंजेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, व्हिच आई थिंक इज वेरी गुड, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. बैंक्स आर फ्यूडिशरीज एंड देयरफॉर दे हैव टू हैव वेरी ट्रांसपेरेंट बैलेंस शीट्स. नाउ कमिंग टू द फैक्ट कि जी आपने गलत लेंडिंग की, और आप देखें, गलत लेंडिंग कोई कोशिश करके नहीं करता, वो एग्जुबरेंस में कर दी, एग्जुबरेंस में होती है, या आप की मार्केट रीडिंग्स गलत हो सकती है, एंड ऑल दैट. नाउ द इश्यू जो सारी दुनिया में, यू प्राइस योरसेल्फ इन सच अ वे कि आप एक सर्टन डिफॉल्ट कैटेगरी को रखते हैं. हमारे पास अभी तक डेटा जो है ना, जिसको कहते हैं ना लॉस डेटा ऑन अ बैंकिंग सेक्टर वाइज नहीं है, ठीक है, जो रेगुलेटर, because well, it's not entering your pricing decision, it is not entering your pricing decision. जब आप risk weighted capital पे और पे आते हैं और आप फिर probability of defaults को calculate करते हैं और फिर अपना true assessment करते हैं और उसकी modeling करते हैं, उसके basis पे आप एक certain models run करते हैं to determine कि आपकी क्या pricing levels होनी चाहिए to absorb that kind of a loss base. वो अभी नहीं है. And very several times, so pricing कैसे करते हैं? I mean, are you basically pricing is done based on your balance sheet position and the liquidity in the market. Because आज भी अगर आप, you have to compete. You're competing. आप आज देखें ना कि 10 साल का लोन आप देते हैं, लेकिन वो 10 साल का लोन क्या होता है? वो quarterly reprice होता है, ठीक है ना? आपने क्रेडिट एक्सपोजर 10 साल का लिया, you don't have a 10 year deposit, but you don't have a 10 year, you don't even have a 10 year yield curve, which is very, very conducive. But, I mean, 10 but year you have a variable rate. But you have a variable rate. अच्छा, variable rate. So it's a floater. It's a floater. अच्छा, floater to fixed आप swap नहीं कर सकते, because आपके पास yield curve नहीं है. वो तो आपके customer के लिए भी बड़ा customer के लिए भी problem है. वो बेचारा, उसका क्या होता है कि उसने एक project लगाया है 100 रुपए का, with the understanding कि आज interest rate जनाब 10% का है, markup rate 10% है. लेकिन वो 18% हो जाता है और बिजली 3 रुपए यूनिट है, और बिजली 3 रुपए यूनिट है जो 18 रुपए हो जाती है. तो डायनेमिक्स गोज आउट ऑफ द विंडो. एंड कैन आई टेल यू अ फंडामेंटल इशू है, योर लार्जेस्ट इंडस्ट्री व्हिच इज कॉजिंग द ब्लिप्स इन दिस. एंड यू नो आई नाउ विल गिव एन एग्जांपल व्हिच यू हैव सीन ओवर द लास्ट 18 months. योर लार्जेस्ट इंडस्ट्री इज एक्चुअली अ कमोडिटी प्रोड्यूसर. यू सी, वेदर यू सेल कॉटन और वेदर यू स्पिन इट इनटू यार्न और वेदर यू मेक ग्रे क्लॉथ, दीस आर ऑल commodity businesses. नहीं, आपकी oil sector, these all commodity, fertilizer, oil sector, textile, fertilizer, even food is now food, commodity. New York futures from a spot rate 14 months ago of 227 cents. So you are saying कि हमारे मुल्क में volatility, forward markets and future markets and hedging markets वो बिल्कुल नहीं. नहीं, बिल्कुl नहीं है. And the banks have. That's why banks play a short position. Banks fund themselves on short term. Nobody plays a 10-year, you know, yield curve. Nobody can, because आपकी इतनी volatility है. So that is another segment which needs lots of development. Long term funding. The ability to make long term project loans will depend on banks having a long term yield curve and deposits. अच्छा, ये बताओ ना कि ability तो आपके पास है, but do you have the legal structure to do all of this? No, we don't. Is the laws of this country, are they promoting financing or are they a hurdle in financing? देखें, I think जो hedges की बात है, वहाँ तो आपके पास hedges नहीं है, ना ही कोई regulation इतनी conducive है from either of the regulators to create that opportunity. ठीक है ना, अब बात हो रही है options की, option trading. You think in the next 10 years we'll get all this? Well, I certainly hope. If we don't, then I think we'll be a very regressive economy, and I don't think we will be able to sustain ourselves. Is anybody doing work on that? अब ये mercantile exchange तो बनी है ना?
सर देखिए, मर्केंटाइल एक्सचेंज बनी है, अभी इसमें बहुत चीजें हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू जस्ट टेक एग्रीकल्चर फॉर टू मिनट्स, बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, एंड आई ट्रूली बिलीव दैट इफ एनीथिंग इज गोइंग टू हैपन इन दिस कंट्री इज इफ यू कैन रिवाइव योर एग्रीकल्चर. यस, आपने साइलोज पे, आपने उन साइलो रिसीट्स को, यू लुक एट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, यू लुक एट कमोडिटीज, योर फूड सिक्योरिटी, योर कमोडिटीज. अगर आज आप, आपके पास इस वक्त लॉ नहीं है जिसमें आप एक जो कमोडिटी साइलो की रिसीट को डिस्काउंट कर सके. एग्जैक्टली. नाउ इफ यू कांट डू दैट, अच्छा, इसलिए बैंक्स घुसते हैं. शुड टेक एक्शन ओवर देयर. सर, आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द रेगुलेटर्स, व्हिच मींस दैट वन, बिकॉज व्हाट विल हैपन इज, लेट मी, व्हाट रेगुलेशन डू यू नीड, आई विल जस्ट एक्सप्लेन टू यू. सर, अगर आपके पास साइलोज होते हैं, ठीक है ना, एंड आपके फार्मर के पास ऑप्शन होता है टू गो एंड डिपॉजिट हिज डिस्काउंट करता है रिसीट को, जो कि आज लॉ नहीं है सर, के वेयर हाउस रिसीट को डिस्काउंट करने का लॉन चाहिए आपको, उसके लिए लॉ चाहिए. Really? जी, उसके लिए, because it has to be a negotiable instrument. It has to be a negotiable instrument. तो वैसे ही है ना, नहीं सर, जब आपकी एक receipt है तो उसको आप बाजार में आप उसको बेच सकते हैं. सर, नहीं बेच सकते. Not under the negotiable instrument. Not under the instrument. Frankly, मैं lawyer नहीं हूँ. हाँ, नहीं, मैं lawyer नहीं हूँ. अगर मैं बताऊँ, okay, so you need a law. We need a law. In which, particularly in agriculture, जहाँ आपकी साइलो की रिसीट जो है, अब साइलो प्रोफेशनल होगा वो जिसको आप दे रहे हैं, साइलो has to have lot of credibility. Sir, it will come in when you have professional companies going into these silos. सारी दुनिया में होती हैं, you know, आप अमेरिका में मिडवेस्ट में रहे, आपने भी देखे हैं, मतलब पास्को टाइप, let's say, they will have proper silos, जहाँ उनके पास टेक्नोलॉजी है टू मेंटेन इट. बिकॉज मैं तो नहीं ग्रेन डिटरमिन कर सकता कि क्या क्वालिटी का ग्रेन है. जो साइलो रिसीवर है उसके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए. सो दैट विल आल्सो कंट्रीब्यूट टू योर फ्यूचर मार्केट. यस, एब्सोल्युटली. एंड दैट्स व्हाई यू हैव लेते हैं फिर. आई थिंक इसके अंदर एक दो ट्विस्ट हैं इसके अंदर. चले, अभी मैं ब्रेक लेके आता हूं. वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड देन देयर इज मोर देन लीगल, देयर इज अनदर प्रैक्टिकल ट्विस्ट्स.